थैंक यू फॉर बीइंग हियर, मिला फन। कलर देख रहे हो गरम हो के लाल हो गया है। मम्मी बोल रही है हम अकेले घूम के आए हैं। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। ये फोन में थोड़ा सा ग्लिच है, अभी मैंने 0.5 कर दिया, फिर भी ये 1x पे शूट कर दिया। बट देन आज है बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे जिसके लिए हमें जाना है बहुत दूर। भाई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, कल बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, सुबह सुबह इनको भी नींद नहीं आ रही। भाई सारे कपड़े लेके जा रहे हैं, मन बेटा बाप को कुली बना दिया तुमने, ये सारा सामान हमें लेके जाना है। अपनी टोबो साइकिल ले, ये पता नहीं कौन से गाने। बट देन भाई 15-14 पता नहीं कौन से, मन नहीं गिर रहा यार। 15 प्रो मैक्स से शूट करें। मम्मी मैं कल भी पूरा दिन निकाला, आज मैं 2 दिन निकाल। तो अगर आप नए हो तो मिला के इस एक्साइटमेंट को और बढ़ा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एंड क्या करना है, बाय बाय, घर से बाय मम्मी। मैंने नोएडा जाना है, पापा मम्मी को भी भगा रहे। दीपक आराम से सामान लेके जाना, महंगा सामान। राइट सर, सर टिप मिलेगा सर? हाँ हाँ टिप मिलेगा, जाओ। क्या मिलेगा सर, फोन सर? नहीं फोन हमारा, फोन का पासवर्ड। तो भाई फाइनली हम निकल चुके हैं, कैसा लग रहा है? तूने फिर मेरे को बोला था मेरे को तू मोटो जीपी दिखाएगा। भाई मैंने पापा को बोला था कि मोटो जीपी के पास बाप को ना बेवकूफ बनाते हो। मिशेल ने मुझे इनवाइट करा है एंड मेरे पास जो वीआईपी पास है वो एक ही पास है, वो मेरे पास है पेडॉक साइड पे, जहाँ पूरा पिट स्टॉप है। इनफैक्ट मैं पूरे कहीं वो दिन ट्रांस सेकंड में जा सकता हूँ। एंड जो दूसरा पास मिल रहा है वो ग्रैंड स्टैंड का पास मिला है, जो एकदम दूसरी साइड होता है। तो ये मुझे कह रहे हैं मैं जाऊंगा तो तेरे साथ जाऊंगा, अलग अकेले क्यों बैठूंगा, दोनों एक साथ देख। मैंने जब फर्स्ट टाइम F1 हुई थी तब भी पापा ने कहीं से पास अरेंज करा था, एक ही पास अरेंज करा। पापा कहते तू जा, फिर मैं अकेला देख के आया था। फर्स्ट टाइम F1 जब इंडिया में, तब इतने आप दयालु थे। अब तो बड़ा हो गया, अब यू हैव टू बी दयालु ऑन योर फादर। मैं आज जाके ट्राई करूंगा कल की जो मेन रेस होने वाली है उसमें एक वीआईपी पास अरेंज हो जाए, फिर कर्नल साहब आ जाएंगे। तो मैं मोबाइल यूज नहीं करना आ रहा है आप। ऐसा करो फादर को दे दो, फादर थोड़ा सा पढ़ लिख के ना फिर दे देगा। भाई मैं जेन्युइनली बताऊं, मैंने अभी कैमरा क्वालिटी थोड़ा बहुत कंपेयर करा है, ज्यादा फर्क मुझे नहीं लग रहा है 14 और 15 प्रो में। अभी हम 5x यूज करेंगे तो उसमें ट्राई करते। क्या करो, अगर अच्छा ज्यादा फर्क नहीं लग रहा तो बाप को गिफ्ट कर दो। सब ले लो यार, ये फॉर्च्यूनर गाड़ी सब आप। ये बड़ा सही है बेटा, ले लो चलाते तो बहुत सारा जा। कौन रहा फॉर्च्यूनर में? पापा को बोला था कि मैं एक्सयूवी ले जाता हूं, वैसे भी कुछ दिन के मेहमान है गाइस, एक्सयूवी मोस्टली जाने वाली है। फाइनली हम निकल चुके हैं सुबह के 9:30, मुझे 11 बजे पहुंचना है समाओ में, 1.5 घंटा लगने वाला है। अब आपको बताते हैं मेन चीज जिसके लिए हम जा रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू अटेंड द मोटो जीपी। सो मिशेलिन हैड इनवाइटेड मी फॉर दिस, दे वर लाइक यू शुड एक्सपीरियंस द होल मोटो जीपी व्हिच इज हैपनिंग इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब F1 हुई थी बोध इंटरनेशनल सर्किट 2013, 10 साल बाद को इंटरनेशनल जीपी होने वाली है। एंड आप लोगों को पता ही है कितने बड़े बाइकर हैं फ्रॉम हार्ट। तो भाई मेरे लिए क्या पूरी कंट्री के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग मोमेंट है। जैसे आप स्टेडियम एंटर करते हो भाई, भागते हुए अंदर जाने का मन करता है, फिलहाल तो नहीं भाग सकते। एंड सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है, कल भी भाई इधर उधर बहुत भागम दौड़ी हुई थी, बट फिर भी हमने आज के लिए अपने आइस पैक्स लगा लिए ताकि थोड़ा आराम मिल जाए। एंड व्हील चेयर वगैरह भी रख लिए, कपड़े भी रेडी है। Guys, हम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा क्रॉस कर रहे हैं। इनका कोई नहीं होता, उनका एमिटी होता है। स्कूल के बाद में एडमिशन मिलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, हर जगह पता कर लिया। एमिटी नोएडा में हमें रिजेक्शन मिल गई, उन्होंने कहा आप एमिटी गुड़गांव जाओ, नया कॉलेज खुला आपको वहां एडमिशन मिल जाएगी। हम एमिटी गुड़गांव से पढ़े। सो गाइज 12वीं के नंबर इतना मैटर नहीं करते, उसके बाद क्या करते हो और कैसे सीखते हो वो मैटर करता है। एंड यहाँ से बोध इंटरनेशनल सर्किट रह गया है 35 मिनट्स और। फाइनली हम यमुना एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं एंड बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि जितनी बार भी मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे आया हूँ मैं हमेशा बाइक पे आया हूँ। तब तो घर से यहाँ पहुंचने में 1 घंटा लगता था, आज हमें थोड़ा 1.5 घंटा लग गया, वो भी ट्रैफिक नहीं था। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने, आ चुका है सैटरडे वीआईपी। ऐसे नहीं जाने वाले, अभी हम कपड़े चेंज करेंगे। वीआईपी में हम एक चप्पल में घुसेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वो बोलेंगे साले चुरा के लाया, बट देन अभी हम तैयार होंगे, कपड़े चेंज करेंगे। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, एंट्री होने वाली है, अपने वीआईपी पार्किंग स्टिकर लग चुका है, यहाँ से हमारी एंट्री होगी। वीवीआईपी लोग आ चुके हैं, हेलो सर, बिग फैन। तो ये पेडॉक की एंट्रेंस है। मैं लास्ट अपनी निंजा 1000 जब मैं ट्रैक पे लेके गया था तब आया था भाई, उसकी फीलिंग अलग थी। जिन लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा ना जरूर जाके देखना, भाई भाई ने ट्रैक पे बाइक चलाई थी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, तो मैं जो BIC है उसका पेडॉक एरिया जहाँ पे सारे पिट्स होते हैं, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो यामाहा का पिट है, तो यहाँ से यामाहा की टीम ऑपरेट कर रही है। मैं भी यहाँ से ऊपर जाऊंगा VIP विलेज, एंड यही हमारा सहारा है। गाइस रेड बुल का हमें मिल चुका है एरिया, एंड वहाँ पे आगे जाके
रेपसोल होंडा मार्क मार्केज अपना फेवरेट है, हम दो लोगों को भाई हमें बहुत पसंद है, एक फैबियो क्वार्टरो और मार्क मार्केज। भाई अंदर बैठे बैठे फील आ रही थी, बहुत आगे एक्साइटमेंट पता चल रही है। यहाँ पे सेटअप हो रखा है, आई थिंक एक डुकाटी की खड़ी है, एक होंडा की खड़ी है और एक और भाई ट्रैक टायर कवर निकल चुके हैं, ट्रैक पे जाने के लिए आई थिंक रेडी हो रही है भाई। भाई ऐसे ना कोने में बैठ के अच्छा तो नहीं लग रहा, मैं भी बाहर देख के तो आया हूँ, वैसे फील नहीं आ रही, एक्साइटमेंट में बंदा भाग सकता है। ये मिशलिन का हॉस्पिटैलिटी लाउंज है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है, यहाँ पे स्नैक्स वगैरह लगे हैं, थोड़ी देर में लंच भी लग जाएगा, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। अभी क्वालिफाइंग्स आज होंगे जिससे कल पोल पोजीशंस पता चलेगी, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ खड़ा हो रहा है। कल भाई मैं बता रहा हूँ पागल हो जाऊंगा, मैं बाहर ही रहूंगा चाहे मुझे 3 घंटे बैठना पड़े। So guys, finally हम पहुंच चुके हैं, क्वालिफाइंग सुबह स्टार्ट हो गई थी, मोटो जीपी क्वालिफाइंग सबसे पहले हो गई थी, उसके मोटो मोटो 2, अभी मोटो 3 की चल रही है। एंड भाई जो फील आ रही है, हम नीचे आ चुके हैं, कुछ एक्शन मिलने वाला है, एक्शन होगा केटीएम में। तो भाई आज हमें पिट पूरा एक टूर करवाने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू केटीएम। सबसे पहले हमने थोड़ी रिसर्च करी है, जैक मिलर एंड नहीं, मैंने रिसर्च नहीं की भाई, ने रिसर्च की। फैन मोमेंट अपना रिलीव करेंगे भाई, सबसे फोटो खिंचा के एंड बाइक्स दिखाऊंगा। जो मोटो जीपी की बाइक्स होती है उसकी स्पेसिफिकेशंस काफी डिफरेंट होती है, मतलब ऐसा बोल रहे हैं 20-20 करोड़ की होती है। और ये भी है कि अगर बाइक खुली पड़ी है तो उसकी फोटो खींचना बिल्कुल अलाउड नहीं, टेक्नोलॉजी का पता नहीं चलना चाहिए। एक्चुअल टीवी पे भी टेलीकास्ट हो रहा होगा, इसका बिहाइंड द सीन हम आपको दिखा रहे हैं, एंड अभी कोई मूवमेंट होनी है, ये बड़ा बंद करने वाले, कोई हालतें तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, अब पता चल रहा है। ऐसा लग रहा है मेरा ये वाला पैर ना सुन हो गया, एंड मुझे लग रहा है जूता उतारेंगे तो पैर डबल साइज हो जाएगा। ठीक है, वर्थ इट है, बाहर की एक्साइटमेंट देख के ना सब भूल जाते हैं पेन। हां तोड़ दो ओए नहीं यार, छोटा सा हार्ट अटैक भी आ जाएगा भाई। मेन प्रॉब्लम रिस्क लेने की नहीं है, प्रॉब्लम है कि अगर गलती से कुछ हो गया और फिर से जो ऑपरेशन का जो पेन होती है ना उसमें रोना निकल जाता है। गलती से मिस्टेक तो लाइफ में होता है, कर देते हैं। बारिश शुरू हो चुकी है तो मोटो जीपी वालों के लिए एक वेट सेशन हो रहा है, उसमें वेट टायर्स में यहाँ पे लैप्स होंगे, सो दैट इनको कल अगर बारिश होती है। जब हम लाइव देख रहे होते हैं हमें ऐसी फीलिंग आती है, बट टीवी पे जो लोग देख रहे होते हैं उनका ऐसा दिखता है, एंड टीवी पे देखने में ज्यादा मजा आता है, बिकॉज़ पता चल रहा होता है कौन का है। यहाँ तो सब एक बार शुभ शुभ करके निकल जाते हैं। जिसका वेट कर रहे थे, सो 100 स्प्रिंट शुरू होने वाली है, तो ये प्रॉपर मोटो जीपी रेस नहीं है, ये सिर्फ 12 लैप्स की रेस होगी। चेक करो यार, बहुत ही ज्यादा तगड़ा क्रैश हुआ है, अभी फिर से इस पर रीप लाएगा, तो येलो फ्लैग निकल आया है, अब सेफ्टी कार चलेगी। भाई मुझे आपने देखा वो टर्न मान था वहां पे क्रैश, एक और क्रैश हो चुका है एलेक्स स्पार्को का। भाई जब मैंने बाइक चलाई थी ना मुझे वो लग हुए, रेसर्स वापस आ चुके हैं, या महा भाई इस बाइक से अभी रेस हुई क्या क्रेजी लग रही है। F1 का मोमेंट रिलीव कर लिया, पहली बार आपने ट्रैक का एक्सपीरियंस कैसा था, थका दिया मैं बता रहा हूँ। करीब से जब बाइक आपके करीब से जब निकलता है और जो हुई हुई करके आवाज आता है, वो आवाज जो है वो दिल से आपके दिमाग से काम की रूह को छूती है और वो अलग एक्सपीरियंस होता है। अभी एक और स्पेशल एक्सपीरियंस होना है, मैं मेरा पता नहीं मैं गाड़ी में बैठ पाऊंगा नहीं पाऊंगा, M5 कंपटीशन में हम पूरा ट्रैक का एक राउंड लेने वाले हैं, अगर मैं नहीं जा पाया हमारे भाई तो जाएंगे। भाई कैसे मोमेंट ऑफ ट्रूथ, मतलब BIC जितनी मर्जी रेसेस देख लो जब इस ट्रैक पे एक्चुअल आते हो ना फीलिंग अलग आती है ना भाई। प्रॉपर हम ट्रैक पे आ चुके हैं एंड अभी यहाँ पे फॉर्म साइन कर रहे हैं, अगर हमें कुछ हो जाए तो ये लोग जिम्मेदार नहीं है, एंड देन यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छी फील आ रही है, तो दिखा दो एक्चुअल रेस पे जब गाड़ी जाती है, कलर देख रहे हो ये भाई, ये सिल्वर कलर है, ये गरम हो के लाल हो गया है।
भाई इसमें बैठने वाले एक किस्मत अपने हाथ में थी, हम बैठ पाए हैं कम्फर्टेबली. दिस इज द M5 कॉम्पिटिशन राइट. व्हाट्स योर नेम? अल्फ्रेडो. वेयर फ्रॉम? बार्सिलोना स्पेन. यस सो लेट्स गो गाइस, इट्स गोना बी फन. भाई अभी देखना स्पीड पे ध्यान रखना. भाई अभी क्या होने वाला है, ये सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेच है, यहाँ पे टॉप स्पीड पता चलेगी. पे ब्रेक लगाई थी. ओए 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 भाई आने दे राइट में. वैसे ही मेरा सारा भार एक पैर पे समझ रहा है भाई. क्रेजी 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 क्रेजी. नेक्स्ट लेवल क्रेजी फन. थैंक यू सो मच, इट वाज फन. तो भाई डे वन खत्म हो चुका है. अब बिग थैंक यू टू करम भाई, मेरी बहुत हेल्प कराई है इन्होंने. पैसे भी ये दे, बुलाए भी ये और काम भी ये करे. बट देन भाई ठीक है, भाइयों का प्यार है ये. एंड अभी ये है कि हालत बिल्कुल नहीं है चलने वाली. दिन खत्म हो चुका है, सुबह 8 बजे निकला हूँ घर से. एंड वही है भाई, रोजी रोटी के लिए करना पड़ता है. फाइनली हम दिल्ली तो पहुंच ही गए एंड अपनी बर्गर पार्टी बर्गर आ चुके हैं अपने सारे. मेरे पास ऑप्शन था होटल जाने का एंड ऐसे 2 घंटे इधर तक नहीं आने का, बट होटल ऑलरेडी ट्रैक से 1 घंटा दूर था. रात को 9 बजे हम घर पहुंच चुके हैं. एंड वैसे तो ना मैंने वो क्या कहते हैं, वो सुबह का भूला क्या, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं. हाँ तो भाई मेरा ब्रांड वालों ने होटल कराया हुआ था नोएडा में, बट वो होटल वो ट्रैक से 1 घंटा दूर था. मैं सोचा ऐसे अच्छा घर ही चलते हैं. सीधा बोल मम्मा की मेरा मन नहीं लगा. मम्मी यही तो सच्चाई पता चल गया आपको. बट हम ट्राई कर रहे हैं कल के लिए आपको लपेटने में. मैं घर आपको आया हूँ लेने के लिए, कल आपको मैं साथ लेके चलूंगा. लपेट ले लपेट ले, तू बिल्कुल सब जगह लपेटता फिर खुद अकेला चला. मैंने उनको बोला है ट्राई करा है कि भाई एक और पास दे दो, वो इतने लिमिटेड बड़े भाई के लिए. बड़े भाई छोटा भाई ना बोलो, सब संभालो भाई बड़े भाई के लिए. अच्छा थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और सिकाई करेंगे. बेस्ट पार्ट इज तेरे को पता नहीं मम्मी रोना नहीं है. ये हालत देख के ना मम्मी को रोना निकला. बैठो बैठो. मम्मी क्या कह रही थी? मम्मी कह रही थी, कहती मुझे पता है मेरा बेटा घर बैठे हैं. मैंने अपने लिए गेम लगा लिया, पट्टी खोल लिया. मम्मी बोल रही है हम अकेले घूम के आए हैं. ब्लॉक कर डेट पे गए. अच्छा कितने रुपए में आज आपने डेट करी अपनी? आज 120 में वड़ा पाव खाया और डेट हो गई. भाई मैं अगर किसी तेरे लिए बिस्किट लाई हूँ 800 के. भाई साहब 120 रुपए में इनकी डेट हो गई है. व्लॉग करा है? नहीं वो खाने के नहीं. अब जाके थोड़ी राहत मिली है, आइस पैक लगा लिया तो थोड़ी इजी इजी फीलिंग हो रही है. पैर की सूजन काफी बढ़ गई थी एंड अब मैं ना थोड़ा सा टेंशन में हूँ. पूरा दिन लगा के गया हूँ एंड आई होप कुछ ऊपर नीचे ना हो गया. वैसे तो डॉक्टर ने बोला एकदम सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. अफकोर्स वेट नहीं डाला, तो मैंने वेट तो बिल्कुल नहीं डाला. मैं ना व्लॉग में दिखा नहीं पाया, हमें काफी चलना पड़ रहा था और इस पे चलने कारण शरीर पसीना पसीना हो रहा था. जो एक्सपीरियंस था मजा आया. अभी कल का दिन भी काफी ज्यादा सही होगा. ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं करूंगा बिकॉज पूरे 1 साल तक ये चीज नहीं आएगी. ये है व्लॉग, थोड़ा सा डिले हो सकता है बिकॉज अभी घर आते आते 10 बज गए थे एंड अभी कल सुबह फिर से 8 बजे निकलना. तो मैं ट्राई तो करूं व्लॉग एडिट हो जाए. लेट से तो वैसे इतना फर्क नहीं पड़ता, अपना एक्सपीरियंस हम आपको अच्छे से दिखाएंगे. तो मोटो जीपी टीवी पे तो देख लोगे, भाई का एक्सपीरियंस भाई. आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो. इफ यू डोंट फॉरगेट टू बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन. उससे आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग गोज लाइक. आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग.